नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल में। जैसे कि मेरा व्यू है कि बैंक निफ्टी गिरेगा, तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि तो स्टॉक्स के बारे में बताइए कि जो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हैं उनके क्या टारगेट है। मैं तो बोल रहा हूँ कि भैया 10-10, 15-15% का करेक्शन सबके अंदर देखने को मिल सकता है, जो कि हैवी वेट है। ठीक है, तो ये मैंने आपसे पिछले हफ्ते 10 दिन से मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या टारगेट है, क्या हमें नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्या आप एसएल रख सकते हैं, और या फिर क्या सपोर्ट है जिसको ब्रेक होने पे आप ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, आज की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होगी, तो देखिएगा, समझिएगा, इसको जानिएगा। और मैं यही बोलूँगा आपसे कि मैं सिर्फ अपनी पर्सनल नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ट्रेड लेना रिस्की है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो कम से कम बाय सेल रिकमेंडेशन इसको बिल्कुल ना समझे। बस मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, एजुकेशनल के पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, व्यू जो आपको रखना है कम से कम 2 से 3 महीने का व्यू रखिएगा, इन केस जो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे इनके जो पापा जी हैं उनसे शुरुआत करते हैं, HDFC बैंक। देखिए HDFC बैंक में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप इधर गौर फरमाएंगे तो ये देखिए, ये ऐसे रैली हुई, देन ये ऐसे 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 करके करेक्शन हो। ठीक है, फिर ये ऊपर गया, फिर ऐसे 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 करके फिर करेक्शन हुआ, फिर ये ऊपर गया, ऐसे ऐसे करके फिर ये करेक्शन हुआ। ठीक है, तो इसने अब तक कंप्लीट करेक्शन नहीं दिया है। कंप्लीट करेक्शन कब होगा, ये पूरा नीचे की तरफ आएगा। और लेवल कितना है, 1408। ठीक है, बट इमीडिएटली बेसिस पे जो मुझे दिखता है मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। ये चार्ट पैटर्न ही ऐसा है, 1525, जो कि यहाँ से कम आप अभी प्राइस कितना चल रहा है, 16,046 के आसपास चल रहा है। यहाँ से भी 100-125 पॉइंट नीचे आप कह लीजिए 5-8% के लगभग की मैं आपसे गिरावट की बात कर रहा हूँ बहुत जल्दी HDFC बैंक में। ठीक है, और इसने लक्षण दिखा भी दिए हैं, ये जो यहाँ पे इसने ये 5th वेव पैटर्न बनाया था। ठीक है, देन इसका ये कंप्लीट हो गया। अब ये ABC करेक्शन देगा और नीचे की तरफ आएगा, पर यहाँ पे इस बार जो ये करेक्शन देगा, इस बार ये इस कंप्लीट पैटर्न का करेक्शन देगा, तो उसका जो टारगेट है 1525 ही है। ये मुझे HDFC बैंक का चार्ट बोल रहा है। अब इसमें सिंपल सा लॉजिक आपको अपनाना है, सिंपल सा लॉजिक, इनकेस आप कभी ट्रेड करने की सोचते भी हैं। व्यू 2 से 3 महीने ही रखेगा, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। लेवल इसका आप नोट करिए, 1645, 1645, ये इसके नीचे रहता है। बी ऑन सेल साइड, पोजिशनल टारगेट 1525, पहला जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और 1580 आप अगले 10 से 15 दिन में देख सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, 1645 इस लेवल के नीचे ही रहना चाहिए। अब इसने क्या किया था, लास्ट के 2 दिन में रहा इसके नीचे, बट फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई है वो इसने 1646 पे लाके दे दिया। इतना इम्पोर्टेंट लेवल है। देखिए नीचे से माल खींच के, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ये नीचे से माल खींचा 1632 से, वो क्लोज किया इसको 1646, जस्ट 1 नंबर ऊपर। और टेलीग्राम पे मैं आपसे 2 दिन से इस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ, वेडनेसडे से इनफैक्ट, थर्सडे देन फ्राइडे, कि अगर 1645 के नीचे रहेगा बहुत चांसेस है। पहला तो टारगेट यही है 1622 और 1580, ये हम लेवल हमको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही क्या कहते हैं, ख़राब चार्ट पैटर्न बन चुका है, ख़राब ही आप ही देखेंगे ये, और इसका ब्रेकडाउन ही आएगा नीचे की तरफ। हाँ, इसका जो व्यू है, जो सेल साइड का व्यू है, देखिए 2 चीज़ें हैं, व्यू और ट्रेड। ट्रेड मैंने आपको बता दिया 1645 के नीचे रहना चाहिए। आप सेल लेते हैं 1638 पे, 1635 पे, तो लॉस बुक कर लेना है अगर ये 1645 के ऊपर क्लोज कर देता है। नहीं करता है, उसके नीचे रहता है, बहुत चांसेस हैं कि आपको नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। इसमें बेयरिश पैटर्न बन चुका है, 10 EMA 20 EMA का क्रॉसओवर नीचे की तरफ हो चुका है और बैंक निफ्टी की भी नैया डूब जाएगी जिस दिन ये 1645 के नीचे अकेला ही ये बेड़ा पार लगा देगा। ठीक है, हाँ अब ये व्यू बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा जो सेल साइड का है अगर ये 1680 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, मतलब ये जो टेरिटरी है ये वाली इसके ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तब फिर कुछ और टाइम कंसोलिडेशन चलेगा क्योंकि ये खींचा है इसने इतना मैटर। आप देखिए इसको जब ये यहाँ ब्रेकडाउन हुआ था इसको यहीं पे ये नीचे की तरफ पूरा कंप्लीट करना था बट इसने एक और लेग ऊपर खींच लिया, तो अगर ये नहीं गिरता है फिर ऊपर तो एक और लेग ये ऊपर की तरफ खींचेगा। बट अल्टीमेटली जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको वीकली चार्ट पे लगाते हैं तो ये पैटर्न जो है यही बोल रहा है। ठीक है, यही बोल रहा है 1400 के आसपास, जैसे कि ये आपको दिख रहा है तो इसमें गिरावट हुई। ठीक है, ऐसे ही ये कहानी यहाँ बनी है, इसमें भी गिरावट होगी। ये कोई हाँ ये पैटर्न अगर ऐसे बना होता ये करके ये नीचे की तरफ ऐसे 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 तो भैया ये चार्ट पैटर्न बन रहा होता और इसमें बना ये है तो ये यहाँ कंप्लीट होगा 1400 के आसपास। बट फिलहाल जो मुझे दिखा जो मुझे समझ में आया मैंने आपको समझा दिया, लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए, उन्हीं को बेस मान के चलिएगा। अगला स्टॉक दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। अगला स्टॉक है आपका ये देखिए एक क्या कहते हैं हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनी है और ICICI बैंक है। ठीक है, तो इसकी भी कहानी ख़त्म हो चुकी है, बस आप इसमें ये मार्क करके रखिए। देखिए जान नहीं है, कैसे पता लगेगा आपको, ये देखिए यहाँ तक तो ये देखिए जैसे ये तेज़ी अच्छी है। ठीक है, ये यहाँ गया ये का इसका ब्रेकआउट आया तो 3 दिन में प्राइस आपका 865 से कितना है 910 के आसपास, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ क्या आपको देखने को मिल रहा है ये कितना प्राइस है 928, ये कितना टॉप है 954, कितना ऊपर गया है लगभग 3% के आसपास, जस्ट 3%। एंड टाइम देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 days। ठीक है, 11 दिन ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है ऊपर की तरफ, ये सब का सब करेक्ट होगा। 900 तो बहुत जल्द आपको स्क्रीन पे दिखना चाहिए एंड मुझे लगता है कि ये यहाँ तक 850 तक भी आपको देखने को मिल सकता है, तो मैं बड़े टाइम फ्रेम पे इसको लगाता हूँ। बिल्कुल ये लेवल 870 850 यहाँ तक तो इमिडिएटली दिखता है कि इसको आना चाहिए। तक ठीक है, बहुत अब तेजी नहीं करनी है ICICI बैंक वगैरह में, जो भी है खेल 1-2 दिन का ही है और इमिडिएटली 925 के आसपास तो बहुत जल्दी आता दिखेगा 5 से 6 दिन के बाद। इसमें कोई भी रेड कैंडल मैं आपके साथ लेवल शेयर कर देता हूँ। देखिए ऊपर की तरफ हो सकता है थोड़ा सा और टांगे 1-2 दिन टांगे, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है। तो जिस भी दिन ये इस लेवल के नीचे क्लोज करता है 945 आप ऐसा लगाना 954 बी ऑन सेल साइड 920 870 850 के नीचे के टारगेट है पोजिशनल। ठीक है, ये हो गया आपका ICICI बैंक। अगला आता है IndusInd। क्या देखिए यहाँ पे इसने क्या धोखा दिया, या ट्रेंड लाइन खींचेंगे प्रॉपर एक ब्रेकडाउन। ठीक है, बट उसके बाद कुछ न्यूज़ थी शायद इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब हर एक प्यादा, ठीक है हर एक सिपाही, सबसे कमज़ोर सिपाही है कौन RBL बैंक और आपका IndusInd बैंक। ठीक है, सबसे कमज़ोर सिपाही है, इनको भी खींच दिया गया ब्रेकडाउन देने के बाद। यहाँ से तो इसको ये टारगेट देने थे बट एक फेक निकला ब्रेकडाउन और एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली, पर ठुकेगा ये, इसका हो गया काम अभी। इनफैक्ट इसमें बहुत जल्द पैसा बन सकता है IndusInd बैंक में, बाकी बैंक फिर भी थोड़े से तमीज़ में रहते हैं। ये गिरता है तो भयंकर गिरता है, चढ़ता है तो भयंकर चढ़ता है। 1248 का इसका प्राइस है, 1280 अबव क्लोजिंग मेरे ख्याल में इसमें एसएल रखना चाहिए। एंड नीचे की कहानी है इसकी 1100, ठीक है 1080। मुझे तो कोई मतलब अचंबा नहीं होगा अगर हम इसको 3 फिगर में भी देखें IndusInd Bank को, ठीक है। तो इसमें भी आप ये सारे ठुकेंगे, इनके चार्ट पैटर्न वगैरह सब ऐसे बन चुके हैं। ज़बरदस्ती लास्ट में बस ये खींचा गया है कि भैया बैंक निफ्टी को चल इसका भी सहारा दें, इसके वेटेज का भी सहारा दें। सेम एक्सिस बैंक तो देखिए बिल्कुल राउंडिंग बॉटम टाइप पैटर्न। इसका चार्ट पैटर्न फिर भी कोई इतना ख़राब नहीं है। इसको अवॉइड करो यार शॉर्ट करने के, हालांकि ठुकेगा तो ये सबके साथ, ये कैसे अकेला बच जाएगा। बट इसमें ये ठीक है यार, ये ना ये इसी के नीचे खराब होगा। 880 एक्सिस बैंक को अवॉइड करिए दोस्तों, मुझे इसमें कोई इतनी ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है। हालांकि जब ये गिरेगा तो सही है, ठीक है। चलिए इसका व्यू में फिर कभी, इसमें जिस प्रकार का कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है या चार्ट पैटर्न बनता है इसके बाद में इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल इसको अवॉइड करिए। अगला है आपके एसबीआई वाले चचा, ये तो जाएंगे, ये सेम, ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ ठीक है। ये कौन बोलेगा कि ये बेयरिश फ्लैग पैटर्न है, ये चीज़ें बदल गई हैं, वे पुरानी हो गई हैं चीज़ें, ठीक है। ये भी बेयरिश फ्लैग पैटर्न है, ये भी बेयरिश फ्लैग पैटर्न है, अभी भी ये बेयरिश फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। तो इसमें तो मेरा टारगेट 525 के आसपास है। जो मर्जी जितना मर्जी दमदार रिजल्ट आया हो, और PSU इंडेक्स तो से ही शुरुआत होगी बैंकिंग स्टॉक्स के गिरने की। PSU के जितने हैं ये BOB PNB, ठीक है, इनको लीड करेगा SBI, देख लीजिएगा। BOA बैंक ऑफ महाराष्ट्र, BOM बैंक ऑफ इंडिया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोई भी क्लोजिंग इसकी आपको 565 के नीचे मिल जाती है, 565 के नीचे कोई भी क्लोजिंग मिल जाती है। 580 का एसएल लगा के सेल मारिए, बहुत नीचे के टारगेट हैं 525, और इनफैक्ट उसके भी नीचे के टारगेट है 500 से लेके 525 के बीच के। ये चार्ट पैटर्न यहीं पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। और लास्ट में कोटक बैंक इसने तो शुरुआत भी कर दी है। ये पूरा राइज, ये ठाक, ये 1780 से लेके 1750, ठीक है। तो ये है दोस्तों कोटक बैंक तो पूरा, अरे क्या है ये, ठीक है। बस चलिए, चलो ये नीचे इसको ब्रेक करके गया, इसने अपना कर दिया काम जो इसको करना था, ठीक है। अब ये गिर रहा है, आराम से आपको 1750 के आसपास दिखेगा, 1750 से लेके 1780। तो ये है दोस्तों हैवी वेट, जिसमें आपको करेक्शन देखने को मिलेगी आगे आने वाले टाइम में, बहुत जल्दी ही से देखने को मिलेगी, और सिर्फ रोक के रखा जा रहा है। इनफैक्ट कोटक बैंक ने शुरुआत कर दी है, HDFC बैंक ने भी शुरुआत कर दी है। SBI जैसे ही 565 का लेवल तोड़ेगा उसमें बहुत ख़राबी आपको देखने को मिलेगी। IndusInd बैंक बिल्कुल टॉप पे है, ओवरबॉट की सिचुएशन पे है। पहला ही टारगेट इसका 1200 के आसपास आ रहा है, 1205 फिलहाल 1248 पे है। बहुत जल्दी आपको ये 1210, 1215 एंड उसके बाद 1180 दिख जाएगा IndusInd बैंक, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स सेल मार के ही चलना है आपको, ठीक है। और बड़े पोजिशनल ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे, स्विंग ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, नीचे की तरफ, वो आपको सारे स्टॉक्स बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल